The GATE and ESE civil engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in depth topic wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started.

फाउंडेशन क्या होता है डीप फाउंडेशन क्या होता है उसका ओवरव्यू लिया है और अब हम उसको डिटेल right? तो होगा शैलो स्टार्ट हम लोग खत्म कर रहे होंगे we'll right? so excited, तो आप को करना क्या मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर देना है शेयर कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया एंड आइकन राइट सो दैट यू द दूस नोटिफिकेशन

टॉक विद एजुकेटर नेवर मिस असू गेटी डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनी टाइम एनिवेर क्लास है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे किसका अर्थ प्रेशर का पहले हम गेट कवर करेंगे

उट से उसका इन दिस प्रियलिकेटेड इन आइकॉनिक इन टू द्लस है ऑन द प्लस एंड आइकॉनिक राइट बाई द जे एस गिल चाहू के लिए जान जाओ सो यू कैन ज्वाइन इट यूजिंग माई कोर्ट भार्ट टेन आई प्लस और आइकॉनिक और अगर आप ई के लिए भी जाना चाहते हो तो आपको उसी सब्सक्रिप्शन में ई का नॉन टे भी मिल जाता है सो यू कैन ज्वाइन इट यूज इन द सेम कोड एंड माई डियर फ्रेंड देर विलइस वेरी सुन तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो राइट right? आपका जो प्राइसिंग हुआ था वो सिर्फ एक दिन के लिए हुआ था नाउ अगेन बैक टू द नॉर्मल राइट अगर ट्वेल्व एटीन और ट्वेंटी फोर का लेते हो तो दीज आर दीस फॉर द प्लस एंड दीज आर दीस फॉर दायकॉनिक और मेरे दोस्त अगर आप छह मंथ टारगेट कर रहे हो यहां से गेट ट्वेंटी टू और ये सी ट्वेंटी टू तो सिक्स मंथ का अगर आप प्लान करते हो तो गेट एसी ट्वेंटी टू दोनों के लिए कवर कर लोगे राइट सो दिस बेस्ट अपॉर्चुनिटी चलिए आते फिर अपने पॉइंट पे मेरे दोस्त तो आज जैसे कि हम वापस अपने मोटिवेशनल कोड पे आते हैं ठीक है मोटिवेशनल कोर्ट आज का क्या बोलता है थोड़ा अलग है थोड़ा हटके है सुनना बहुत ध्यान से शायद आपको मजा भी आए हम लोग बोलते हैं ईगो आना सबसे बुरा बात है अगर किसी इंसान में ईगो आ गया तो वो इंसान खत्म हो जाता है लेकिन यहाँ पे एक लाइन समझना क्या लिख रहे हैं अल्टीमेट एम ऑफ द ईगो इज नॉट टू सी समथिंग बट टू बी समथिंग है ना ईगो कब आता है किसी को देख के नहीं आता किसी को देख के ईगो नहीं आता आप ईगो बनने ईगो लाने लायक पहले बनो तो तब तो ईगो आएगा अंदर में है है ना देखो सिंपल बात ईगो उन्हीं में आता है जब वो काबिल तुम बन पाओगे ईगो उनमें नहीं आता जब तुम उस काबिल ही नहीं बने और अपने आप में सोचो पता नहीं हम से, कहां से कहा के त्रिमूर्ति हम बन के आ चुके बात समझे कि नहीं सो so, ईगो विल कम ओनली टू पीपल समथिंग उनमें नहीं आएगा जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं है ठीक है तो अगर आपके अंदर ईगो है है ना मतलब आप सोचते हो कि मेरे अंदर पता नहीं मेरे को तो पता नहीं कितना आता है तो ईगो खत्म कर लो जब तक कुछ बने नहीं हो ना वो ईगो कोई काम का नहीं है राइट टेक इट इन अ पॉजिटिव सेंस नॉट इन द नेगेटिव सेंस राइट चलो ओके नहीं टू एंड थ्री सेमिट नहीं है वो आपको वो फ्री गलती से शुरू हो गया था तो उसको बंद कर दिया गया फ्री गलती से शुरू हो गया था तो उसको बंद कर दिया गया ठीक है चलिए यहां पे फोकस करेंगे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को ओके ओके राइट सो मेरे दोस्त आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द शैलो फाउंडेशन शैलो फाउंडेशन कैसे डिसाइड करेंगे वो अलग अलग साइंटिस्ट अगर हम बोले तो उन्होंने अलग अलग बात किया है हम लोग फोकस करेंगे टेरजागी साहब पे टेरजागी साहब ने क्या बोला हम उस पर फोकस करेंगे तो शैलो फाउंडेशन समझोगे बात को तो ध्यान से समझोगे बात को तो ध्यान से शैलो फाउंडेशन मेरे दोस्त

दिस इज द ग्राउंड सर्फेस ओके दिस इज द ग्राउंड सर्फेस अब इस फुटिंग का एक विक्त है ऑफ फुटिंग और इस फुटिंग के बेस का एक डेप्थ है ठीक है द फुटिंग बेस हैज अ डेप्थ तो शैलो फाउंडेशन के लिए शैलो फुटिंग के लिए टेरजागी साहब ने क्या बोला टेरजागी साहब ने बोला साहब ने बोला राइट फ्रॉम बाई टी अगर डी एफ बाई बी अगर डीएफ बाई बी लेस देन वन है तो इसको हम बोलेंगे क्या विल से दिस है शैलो फाउंडेशन विल से दिस शैलो फाउंडेशन क्लियर है बात ये हैगी साहब ने बोला ठीक है क्लियर है बात सर गेट के फॉर्म के लिए सेशन ले लो सर अच्छा ठीक है सर शुड आई फॉलो जो नया फॉलो करो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए अब यहां पे फोकस करते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे फोकस करते हैं चलिए देखेंगे यहां पे सब लोग ओके राइट सो शैलो फाउंडेशन का पहले बेसिक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि हम यहां पे जब बात कर रहे हैं तो डी एफ बाई लेस देन वन हम उसके लिए बात कर रहे हैं क्या शैलो फाउंडेशन राइट अब बिफोर मूविंग टू द लोड कैरिंग कैपेसिटी

जो आपके जो भी बेतुके सवाल है जब मैं बीच में कुछ नहीं बोलता हूं ना तब पूछा करो मेन लेक्चर के बीच में पूछोगे लेक्चर आपका बर्बाद हो जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस ग्रॉस का मतलब क्या है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस ग्रॉस का मतलब क्या बेटा ग्रॉस का मतलब है टोटल टोटल इन टोटल कितना प्रेशर इन टोटल कितना प्रेशर कहां पे फुटिंग के बेस पे इन टोटल कितना प्रेशर कहां पे फुटिंग के बेस पे उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रेशर उसको हम क्या बोले मेरे दोस्त दैट आई एम सेइंग एज अ ग्रॉस प्रेशर अब देखो यहां पे सब लोग अब देखो यहां पे सब लोग जैसे कि जैसे कि अगर हमने ये बोला कि लेट अस से दिस इज योर फुटिंग ये हो गया आपका कॉलम राइट एंड दिस इज योर ग्राउंड लेवल जस्ट टू अंडरस्टैंड ओके जस्ट टू अंडरस्टैंड ठीक दिस इज द ग्राउंड लेवल ठीक है ये आपका क्या हो गया ग्राउंड लेवल अब मेरे प्रेशर एट प्रेशर एट द बेस लेवल बेस लेवल पे कितना है बेस लेवल मतलब ये दिस इज द बेस लेवल बेस लेवल पे कितना प्रेशर लग रहा है फ्रॉम द टॉप तो यहां पे अगर आप इस लेवल पे देखोगे तो प्रेशर कौन कौन लगाएगा राइट right? अगर आप इस लेवल पे देखोगे लुक एट दिस लेवल फ्रॉम टॉप कौन कौन प्रेशर लगाएगा बताओ कौन कौन बता सकता है कौन कौन बता सकता है प्रेशर कहां पे आएगा देखो समझोगे बात को ध्यान से ये खाली पोर्शन नहीं है बेटा दिस इज नॉट द खाली पोर्शन यहाँ पे क्या है आपको मिट्टी है दॉल इज देयर राइट यहां पे आपका सॉइल है देयर इज सॉइल देयर इज सॉइल इस पोर्शन में क्या है सोइल है इस पोर्शन में आपका सॉइल है राइट right? ये आपका कॉलम है तो मान लो ऊपर से जो लोड आ रहा है थ्रू द कॉलम ठीक है वो है आपका कैपिटल क्यू ठीक है दिस क्यू इज वॉट लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर अभी सुपर स्ट्रक्चर में सब आ जाएगा कॉलम बीम्स कॉलम बीम्स स्लैब सब चीज आ जा रहा है ठीक है लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर राइट तो अगर हम इस लेवल पे बात करेंगे तो देखो एक तो तुम्हारा लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर आ गया एक दो तुम्हारा वेट ऑफ द सॉइल आ गया और दूसरा ये जो फूटिंग होगा ये जो फूटिंग होगा इस फूटिंग का खुद का वजन ये सब मिलके प्रेशर जेनरेट कर रहा होगा कहां पे एट द बेस लेवल ऑफ फुटिंग और इसी प्रेशर को हम बोल रहे हैं ग्रॉस प्रेशर इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल यस सो व्हेन आई से ग्रॉस प्रेशर इज द टोटल प्रेशर एक्टिंग एट द बेस ऑफ द फुटिंग ड्यू टू सेल्फ बेट ऑफ द फूटिंग ड्यू टू सेल्फ बेट ऑफ द सॉइल राइट अब द फूटिंग एंड द लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ये पॉइंट क्लियर है क्या यह पॉइंट क्लियर है क्या तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं इट इज द प्रेशर इट इज द प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग base of footing due to due to self weight of footing self weight of footing self weight of the soil self weight of soil above footing above footing and एंड लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल इज दिसंट क्लियर टू ऑल चल सर रेजल्टेंट भी बोलते अभी रेजल्टेंट क्या बोलते रेजल्टेंट का मतलब समझ में आता है रेजल्टेंट का मतलब क्या है यहां पर जब सारा लोड नीचे की तरफ है तो सबको एड कर दिया अब इसमें रेजल्टेंट क्यों बात करना चाह लो चलो अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सोल्व करने प्रॉब्लम आ रही है तो आपके कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पढ़े आपने क्लास का नोट से नहीं लगाए क्योंकि मेरे दोस्त जो बच्चे सही में प्रॉपरली क्वेश्चंस लगा रहे हैं क्लास करते हैं उनसे सारे क्वेश्चंस बनते हैं ठीक है और वो आपको दिख भी जाता है ठीक है तो गलती वहां पे आपकी ये है कि आपने हड़बड़ा के या तो सब्जेक्ट कंप्लीट किया है या तो आपने टाइम नहीं दिया है साथ साथ आपने पी वाई नहीं लगाए आपने क्या किया पूरा कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिया और अब आप सोच रहे हो बैठ के पी वाई क्यू लगाओगे तो ये तरीका ही गलत है ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं यहां पे अभी सबको तुरंत नहीं पीएचडी करना है कि सर अगर इंक्लाइन लोडिंग होता तो क्या होता अगर सेंट्रिक लोडिंग होता तो क्या होता अरे बाबा अभी शुरू किया है ठीक है अभी शांत रहो अभी शुरू किया है कि बेसिक पॉइंट बताया आगे क्या होगा सब आगे बताएंगे चलिए क्लियर है यहां तक ग्रॉस प्रेशर ग्रॉस प्रेशर क्लियर है बेटा ग्रॉस प्रेशर क्लियर टू एवरीवन ग्रॉस प्रेशर क्लियर टू एवरीवन यस चलिए आगे बात करते हैं नेट प्रेशर नेट प्रेशर क्या आप समझो यहां पे ध्यान से बहुत इजी है इसको समझना बहुत इजी है ये समझना मान लीजिए मेरे दोस्त ये आपका ग्राउंड लेवल था दिस वाज योर ग्राउंड लेवल ठीक है अब इस ग्राउंड लेवल पे ये आपका लेवल था किसका फाउंडेशन का यह आपका लेवल था फाउंडेशन का दिस इज द बेस लेवल पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है ठीक है राइट right. अब माई डियर फ्रेंड इस लेवल पे पहले से ही कुछ प्रेशर लग रहा है लग रहा है क्या इस लेवल पे पहले से ही कुछ प्रेशर लग रहा है लग रहा है क्या जल्दी से बताएंगे आप इस लेवल पे पहले से ही कुछ प्रेशर लगा रहे हो लगा रहे हो क्या हाँ बताएंगे यस yes. तो वो प्रेशर कितना है एट दिस लेवल बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन ठीक है अगर हम इस सेक्शन को हम एथसेट्स बोले तो व्हाट इज द प्रेशर अगर हम बोले कि वेट डेंसिटी इज गामा वेट डेंसिटी इज गामा सो प्रेशर कितना हो जाएगा एट द सेक्शन व्हाट इज द प्रेशर एट द सेक्शन एस का वजन का वजन कितना है मेरे दोस्त गामा इंटू डीएल गामा इंटू डीएल गामा इंटू डीएल अगर वाटर टेबल होता तो अगर वाटर टेबल होता तो इफ द वाटर टेबल इज देयर अगर वाटर मान लो अगर पानी का टेबल यहां पे होता ठीक है तो इफ वाटर टेबल इज देयर वाटर टेबल इज प्रेजेंट तो वाटर टेबल अगर प्रेजेंट है तो प्रेशर एट द सेक्शन एट सेट्स क्या लिखेंगे आई विल राइट गामा सबमर्ज इनटू डीएफ एनी डाउट इन दिस एनी डाउट इन दिस एनी डाउट इन दिस यस एनी डाउट इन दिस तो अब मेरे दोस्त अब मेरे दोस्त यहां पे ध्यान दो अब मेरे दोस्त यहां पे ध्यान दो जब आपने जब आपने फुटिंग बनाया जब आपने फुटिंग बनाया उस लेवल पे आके जब आपने फुटिंग बनाया उस लेवल पे आके ठीक है समझना बहुत ध्यान से बहुत इजी चीज है बस एक बार ध्यान से समझना है ये आपने फुटिंग बनाया उस लेवल पे लाके, ठीक है उस लेवल पे लाके आपने फुटिंग बनाया दिस इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन तो मेरे दोस्त यहां पे क्या बोलता है कि व्हाट इज द नेट प्रेशर वो प्रेशर जो एडिशनल तुमने अप्लाई किया वो प्रेशर जो एडिशनल तुमने अप्लाई किया बिफोर द कंस्ट्रक्शन मतलब जो फुटिंग को कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने जो एडिशनल प्रेशर अप्लाई किया है सॉइल पे दैट इज द नेट प्रेशर दैट इज द नेट प्रेशर कहने का मतलब है कि क्या हम सॉइल का ओवरबर्डन प्रेशर यहां पे लेंगे क्या हम सोयल का ओवरबर्डन प्रेशर यहां पे लेंगे हम क्या बोल रहे हैं व्हाट इज द नेट प्रेशर एडिशनल प्रेशर प्रेशर अप्लाइड एट बेस लेवल अप्लाइड एट बेस लेवल बेस लेवल ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटिंग ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटिंग ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटिंग तो अब मेरे दोस्त यहां पर क्या खत्म हो गया जो मिट्टी का वजन जो पहले से लग रहा था वो तो हट जाएगा yes? वजन पहले से लग रहा था वो हट जाएगा यस और नो यस और नो तो अगर मेरे दोस्त एट दिस पॉइंट अगर हम क्यू नेट दैट इज आपको अब बोल रहा है नेट प्रेशर नेट प्रेशर एट द बेस लेवल ग्रॉस प्रेशर दिस इज द ग्रॉस प्रेशर तो ग्रॉस प्रेशर कैसे लिख रहे हैं क्यू ग्रॉस क्यू ग्रॉस इज वॉटिस्ट ऑफ सेल्बेट राइट यू ऑल नो दिवेट प्लस एंड लोड ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर लेकिन क्यू नेट की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा तो क्यू नेट में हम अल्टीमेट जो लग रहा था उसमें से क्या सब ट्रैक्ट कर दें जो अल्टीमेट लग रहा था उसमें से क्या सबट्रैक्ट कर दे बताओ अल्टीमेट में हमने पहले जो प्रेशर लग रहा था उसको नहीं हटाया जब नेट की बात की तो जब आप फाउंडेशन बनाए तो फाउंडेशन में जो आपने एक्स्ट्रा लोडिंग दी सिर्फ उसकी बात चल रही है तो जब आप q नेट की बात करोगे तो q नेट में क्या हो जाएगा q नेट इज इक्वल टू q अल्टीमेट माइनस गामा डी बिकॉज जो प्रेशर पहले से लग रहा था इस लेवल पे उसको आपको क्या करना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा वेन यू आर गोइंग टू फाइंड द नेट प्रेशर ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या भैया अल्टीमेट मतलब ये ग्रॉस है दिस इज द ग्रॉस प्रेशर ये हम बात करें ग्रॉस प्रेशर क्लियर है बात क्लियर है पॉइंट दिस इज द ग्रॉस प्रेशर सो क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू ग्रॉस माइनस गामा गामाटीएम इफ द वाटर टेबल इज नॉट प्रेजेंट अगर वाटर टेबल प्रेजेंट है अगर वाटर टेबल प्रेजेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? क्यू ग्रॉस माइनस गामाज इंटू डी है तो आगे अल्टीमेट प्रेशर दोनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर वे में दोनों पॉइंट क्लियर होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर वे में लेकिन सर वो रहना ही चाहिए ना पुराना प्रेशर क्यों रहना चाहिए भाई जब डेफिनेशन बोलता है कि हमको नहीं चाहिए तो तुम कैसे होते हो रहना ही चाहिए डेफिनेशन बोल रहा है ना भाई नेट प्रेशर में कि वो प्रेशर जो उस लेवल पे जिस लेवल पे फाउंडेशन बना रहे हो उसके पहले जो था ठीक है वो प्रेशर नहीं उसके बाद जो आपने एडिशनल लगाया है जिसके कारण आपका पूरा सोइल डिस्टर्ब होगा उसकी बात कर रहा है उसको बोल रहा है नेट प्रेशर समझ में आया कि नहीं आया समझ में आया कि नहीं आया यस अभी अल्टीमेट प्रेशर मैंने नहीं बताया अभी सिर्फ हमने दो बात की है एक ग्रॉस प्रेशर दूसरा नेट प्रेशर आगे हम बात करेंगे अल्टीमेट प्रेशर के बारे में ठीक है फिर रटने वाला भी देखो, भी से क्यू नेट बोल रहा, तो क्यू ग्रॉस में से गामा डी हम माइनस कर देंगे भाई मेरे प्लीज भाई मेरे प्लीज ठीक है समझो समझो जितना समझोगे राइट उतना मजा आएगा अच्छा डेफिनेशन का प्रूफ होगा वाह तुम्हारा नाम का प्रूफ है तुम्हारा नाम का प्रूफ है तुम्हारे नाम का प्रूफ है तुमको कोई डिफाइन किया है उसका कोई प्रूफ है हा बोलोगे सर बर्थ सर्टिफिकेट अभी बेवकूफ वो लिखा हुआ है ना प्रूफ क्या है कि वही तुम्हारा नाम है चलो सर ये वो प्रेशर है कंस्ट्रक्शन के बाद होगा हाँ चलो राइट right. चलिए तो ग्रॉस प्रेशर नेट प्रेशर क्लियर होना चाहिए है ना बहुत जगह बुक में ऐसे लिखा होता है प्रेशर इन एक्सेस ऑफ ओवर बर्डन प्रेशर आधो के दिमाग से ऊपर चल जाता है इसलिए हम इतना डिटेल में समझाए राइट right. चलिए आगे बात करते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अब समझोगे बात को ध्यान से व्हाट इज द अल्टीमेट हमने ग्रॉस प्रेशर पढ़ लिया नेट प्रेशर पढ़ लिया नाउ व्हाट इज द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इट इज द मैक्सिम ग्रॉस प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड एट द बेस लेवल सो डैट सो डैट द सोयल इज जस्ट सेफ इन फेलियर मतलब वो जस्ट बचा हुआ है या तुम ये बोल सकते हो ये मिनिमम ग्रॉस प्रेशर है जिसपे सॉइल विल जस्ट फेल इन शेयर अरे बेटा स्ट्रेंथ पड़े है ना एट द पॉइंट ऑफ द स्ट्रेंथ हम क्या बोल सकते मैक्सिमम स्ट्रेस आपका मेटेरियल विद स्टैंड करे यह बोल सकते हैं या हम ये भी बोल सकते है। ये वो मिनिमम स्ट्रेस है जिसमें आपका सॉइल जस्ट फेल कर सकता है टेल मी यस और नो टेल मी यस और नो यस टेल मी यस और नो देखो अब राजेश नेवाल बोल रहे हैं सर क्यू नेट मतलब सेल्फ बेट ऑफ द फुटिंग प्लस लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ठीक है अब मैं वही बोलता तो, हूं कान ऐसे पकड़ो या कान घुमा के पकड़ो वही सीन है है ना अब देखो यहां पे तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी अगर हम बात कर रहे हैं बेटा तो यहां पे क्या बोल रहे हैं यहां पे समझोगे सब लोग हम बोल रहे हैं इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड विच कैन बी अप्लाइड एट द बेस लेवल ऑफ फुटिंग बेस लेवल ऑफ पुटिंग बिफोर फेलियर बिफोर फेलियर बिफोर फेलियर सो यह आपका एक डेफिनेशन है एक और डेफिनेशन हम क्या बोल रहे हैं बेटा देर इज वन मोर डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं हम लोग इट इज द मिनिम इट इज द मिनिम minimum gross pressure minimum gross pressure which can be applied which can be applied at the base level at the base level at the base level of putting so that so that इट जस्ट फेल्स ठीक है वन एंड अदर सेम क्लियर है बात क्लियर है बात अब देखो यहां पे एक और नए महान प्राणी निकले हैं सब मतलब क्यू यू ग्रेटर देन अरे बाबा जब यहां पे लिख रहे हैं इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर ये अपने आप में ही ग्रॉस प्रेशर है तो आप कैसे बोल सकते हो आप कैसे बोल सकते हो कि सर ये क्यू यू विल बी ग्रेटर देन क्यू जी या क्यू यू विल बी लेस देन क्यू जी मतलब थोड़ा सोच मेरे को अजीब लगता है हाँ जब ये खुद बोल रहा है ये ग्रॉस प्रेशर है ये खुद बोल रहा है ये ग्रॉस प्रेशर है तो हाउ कैन यू से ना अगला बोले इट इज अ मिनिमम ग्रॉस प्रेशर जब फेल होगा जस्ट फेल होगा मिनिमम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की फेल से जस्ट पहले वाला पॉइंट सिमिलर टू डेट ऑफ द स्ट्रेंथ है ना चलिए so, ये वो प्रेशर है जिसके बाद फेलियर हो जाएगा एकदम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कोई भी मेटेरियल का स्ट्रेंथ बात कर रहे हो ये वो पॉइंट है जिसके बाद आपका मेटेरियल फेल हो जाएगा सेम यहां पे भी है चलिए राइट सो क्लियर है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आई विल बी डिनोटिंग इट बाई स्मॉल क्यू यू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी उम्मीद कर रहा हूं आप नोट साथ, -साथ बना रहे हो गए चलिए आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं नेट बियरिंग कैपेसिटी नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी तो जैसे आपने ग्रॉस पढ़ा वैसे अल्टीमेट आया जैसे आपने नेट पढ़ा यहां नेट अल्टीमेट आया कौन कौन बता सकता है कौन कौन बता सकता है अब सिर्फ हम एक लाइन लिखेंगे बेटा दोनों लाइन नहीं लिखेंगे आई विल राइट जस्ट वन लाइन टॉप वाला लाइन पहले वाला लाइन क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या बोलेंगे इट इज द इट इज द मैक्सिमम नेट प्रेशर इट इज द मैक्सिमम नेट प्रेशर इट इज द मैक्सिमम नेट प्रेशर दैट कैन बी अप्लाइड डेट कैन बी अप्लाइड एट द बेस ऑफ द फुटिंग एट द बेस ऑफ द फुटिंग ऑफ द फुटिंग राइट सो दैट एट द बेस ऑफ द फुटिंग बिफोर फेलियर बिफोर फेलियर बिफोर फेलियर ठीक है फोर फेलियर इज एट क्लियर टू अर्थ क्लियर है पॉइंट बेटा चलिए मैक्सिमम नेट प्रेशर डेट कैन बी अप्लाइड एट देश लेवल ऑफ द फोर्टीन तो यहां पर हम इसको डिनोट किससे कर रहे हैं क्यू यू नेट क्यू यू नेट अब मेरे दोस्त अगर हम यहां पर लिख रहे हैं क्यू यू नेट तो आप मुझे यहां पर यह बताओ क्या हम लिख सकते हैं क्यू यू नेट विल बी इक्वल टू क्यू अल्टीमेट माइनस गामा डी एफ इफ द वॉटर टेबल इज नॉट गिवेन इफ वॉटर टेबल इज नॉट प्रेजेंट अगर वाटर टेबल प्रेजेंट हुआ अगर वाटर टेबल प्रेजेंट हुआ तो क्यू अल्टीमेट नेट विल बी इक्वल टू क्यू अल्टीमेट माइनस गामा समर्ज इन टू दाउंडेशन इफ वॉटर टेबल इज प्रेजेंट एनी डाउट इन दिस प्लीजास को आपको क्लियर होना चाहिए हम ग्रॉस प्रेशर किसको बोल रहे हैं नेट प्रेशर किसको बोल रहे हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किसको बोल रहे हैं नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किसको बोल रहे हैं ये पॉइंट क्लियर है सबको ये पॉइंट क्लियर है सबको यस बेटा डाउट्स नहीं रखना एकदम क्लियर कट समझना है है ना मैं बार बोलता हूं रटने का मेरे सब्जेक्ट में कोई फायदा नहीं है यस ये टॉपिक ऐसा है जहां पे आपको फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा है फाउंडेशन में फॉर्मुला बहुत ज्यादा है लेकिन कोई बात नहीं समझेंगे और बनाते चलेंगे ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी अभी तक आप जो बात कर रहे थे फेलियर पॉइंट तक बात कर रहे थे अब बात करना है सेफ पॉइंट तो अगर हमको बात करना है सेफ पॉइंट तो हम क्या करेंगे हमको फेलियर से सेफ कंडीशन में आना है तो हम एक टर्म यूज करते हैं वो टर्म का नाम क्या बेटा यस yes. अगर वाटर टेबल ग्राउंड तक नहीं है तो उसका भी कंडीशन आप जानते हो कैसे बनाते हैं भैया गामा समर्ज मत लेना जहां पे पानी नहीं है जहां पे मॉइस्टेड है मॉइस्ट गामा ले लेना जितना पार्ट में पानी है वहां पे गामा समझ लेना तो ऑलरेडी आप कर चुके हो ये तो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो है? यस वी यूज द टर्म दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम एक टर्म लेंगे जो कि क्या बोलेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो अगर हम बात करें नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी का तो देखो बेटा यहां पे ध्यान से नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी अगर हम बात करें तो क्या लिख रहे हैं इट इज मैक्सिमम नेट प्रेशर अप्लाइड एट द अप्लाइड एट देश लेवल ऑफ फुटिंग ऑफ फुटिंग सो डैट इट डजेंट फील इन शियर इट डजेंट फील आप सिंपल लिख लो इट डजेंट फील अब यहां पर मेरे दोस्त पॉइंट पलट गया अब यहां पे बात आ गया कौन सा साइड द बेस लेवल ऑफ द फुटिंग सेफली तो आप जो लोड लगाने वाले हो कैसा लोड है सेफ लोड है या अल्टीमेट लोड है जल्दी बताओगे वो कैसा लोड है सेफ लोड है अल्टीमेट लोड है यस इज इट अ सेफ लोड और इट्स अल्टीमेट लोड इट इज अ सेफ लोड तो अगर ये सेफ लोड है बेटा इफ इट इज अ सेफ लोड तो देखो यहां पर देखो यहां पे देखो सेफ लोड है तो कौन सा सेफ है नेट सेफ है तो अब हम यहां पे क्या लिख रहे हैं क्यू नेट सेफ क्यू नेट सेफ क्यू नेट सेफ राइट क्यू एन सेफ एन रिफर्स टू नेट ठीक है क्यू नेट सेफ इज इक्वल टू क्यू नेट अल्टीमेट ठीक है क्यू नेट अल्टीमेट डिवाइडेड safety फैक्टर ऑफ सेफ्टी of बाईर ऑफ सेफ्टी क्यू नेट अल्टीमेट डिवाइडेड of फैक्टर ठीक है Q -net ultimate divided by factor of safety. तो आपने किया क्या आपने पहले बात कर रहे तो फेल पे तो फेल पे नहीं ले जाना है कहां ले जाना है हमको सेफ कंडीशन बनाया तो हमने क्या किया क्यू नेट अल्टीमेट पे हमने क्या लगा दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं क्यू अल्टीमेट माइनस गामा डी है अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर पानी है तो करस्पॉन्डिंग चेंज विल देयर यहां तक कोई डाउट है यहां तक कोई डाउट है बेटा क्यू नेट सेट सेफ क्यू नेट से क्यू नेट सेफ इज इक्वल टू क्यू अल्टीमेट माइनस गामा डी एफ बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज क्यू नेट अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी यस आपने गामा डीए पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई नहीं अभी पेशेंस रखो यही बोलते हैं ना आधा अधूरा नॉलेज बहुत प्रॉब्लम करता है पेशेंस रखो बात करते हैं ठीक है नितिन भाई आधा अधूरा नॉलेज कोई काम नहीं देगा इसलिए अभी पहले जो पढ़ा रहे हो पहले ध्यान दो मैं बोलता हूं जब मेरी क्लास करते हो ना तो जो भी पढ़े हुए ना सब कचरा है मांग के चलो अभी अभी रुक जाओ पहले बता लेने दो फिर तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यहां पे ध्यान दो हां देखो आ गया दूसरा भी आ गया सर को फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा शायद देखो आ गया शुरू आ गया हम जानते हैं ना पहले ही बोला शुरू हो जाते हो आगे बात करते आधा अधूरा नॉलेज बहुत प्रॉब्लम करता है याद रखना यह बात हमेशा चलिए आगे बात करते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या है इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड पहले मैं लिख दे रहा हूं फिर समझाऊंगा देखो यहां पे पहले इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड विच कैन बी अप्लाई एट द बेस लेवल ऑफ फुटिंग एट द बेस लेवल ऑफ फुटिंग सेफली सेफली विदाउट फेलियर विदाउट फेलियर विदाउट फेलियर बिना फेलियर टू राइट देखो यहां पे जिसको फास्ट पढ़ना है जाके रिकॉर्डेड देखे जिसको समझ के पढ़ना है यहां बैठे ठीक है फास्ट पढ़ने वाले जाके रिकॉर्डेड देखिए यहां देंगे यहां पे ध्यान ध्यान देंगे तो मेरे दोस्त हम बात कर रहे हैं सेफ तो अब यहां पे लिख रहे हैं क्यू सेफ लेकिन मेरे दोस्त ये क्यू सेफ हम नहीं लिख रहे हैं क्यू अल्टीमेट डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये नहीं कर रहे हैं ज्ञानी बाबा लोग यहां ध्यान दोगे ये नहीं कर रहे हैं ठीक है क्या करने वाले हम लोग हम लोग क्यू सेव करने वाले हैं क्यू नेट सेव प्लस गामा डीएफ हम इस तरीके से क्यू सेफ निकालेंगे हम क्यू अल्टीमेट पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं निकालेंगे क्यों नहीं निकालेंगे आप सुनोगे ध्यान से सुनोगे ध्यान से बच्चा मेरे अगर आप क्यू अल्टीमेट लिखते हो इफ यू राइट फॉर क्यू अल्टीमेट तो यहां पे क्या होगा सेल्फ वेट ऑफ सॉइल प्लस सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग प्लस सुपर स्ट्रक्चर लोड होल डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी यस और नो यस और नो यस होल डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप क्यू सेफ ये लिखते, हैं, अगर आप क्यू अल्टीमेट बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते हैं? ठीक है बात क्लियर है जब आप लिख रहे हो क्यू नेट सेफ तो क्या हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल खत्म हो चुका है बेटा मेरे जब आप यहां पे लिख रहे हो देखो यहां पे ध्यान से सुनोगे यहां पे ध्यान से यू आर राइटिंग क्यू नेट सेफ जो लिख रहे हो क्यू अल्टीमेट माइनस गामा डी तो अल्टीमेट माइनस गामा डीएफ में क्या हो गया क्यू अल्टीमेट में सेल्फ वेट ऑफ द दॉयल था जो गामा डीएफ से कट जाएगा आपके पास बचेगा सेल्फ वेट सेल्फ वेट ऑफ पुटिंग प्लस सुपर स्ट्रक्चर लोड डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डीएफ हा भाई कौन बोल रहा था सर गामा डीए पे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिए हाँ भाई कौन बोल रहा था सर गामा पे आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिए कौन था वो हाँ भाई अब आओ सामने अब आ जाओ आ जाओ अब सामने आ जाओ नितिन और कौन थे अब आओ सामने अब बोलो कहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रहे हो ठीक है तो सुन लिया करो तब पूछा करो अब देखो यहां पे यहां पे तो मेरे दोस्त मेरे दोस्त हुआ क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त फैक्टर ऑफ सेफ्टी कब लगाते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी कब लगाते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी तब लगाते हैं जब मेरे को अनसर्टेनिटी होती है अगर अनसर्टेनिटी है तब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे लेकिन अगर अनसर्टेनिटी नहीं है तो उसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लगाएंगे बात समझ में आया कि नहीं बात समझ में आया अब ये जो गामा डीएफ है ये वो प्रेशर है जो उस लेवल पे बहुत समय से पहले से लग रहा था राइट तो दैट इज दर्टेन क्वांटिटी सो तो वाइल फाइंडिंग द फाइंडिंग द सेफ लोड या सेफ आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी हम क्या करेंगे हम गामा डीएफ पे, पे, पे सेफ्टी नहीं लगाएंगे ओवर बर्डन प्रेशर पे पर सेफ्टी नहीं लगाएंगे क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि वो प्रेशर बहुत पहले से लगा हुआ आ रहा है वो मेरे लिए अनसर्टेन नहीं है जो अनसर्टेन लोड होता है उसके लिए सेफ्टी लगता है ये पॉइंट क्लियर हो गया ये पॉइंट क्लियर हो गया

और आप सी भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रहे हो और जब आप गामा डीएफ ऐड कर रहे हो तो उस पे कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल है भाई ज्ञानी बाबा सब समझ में आ गया सारे ज्ञानी बाबाओं को समझ में आ गया कि नहीं आ गया सारे ज्ञानी बाबाओं को समझ में आ गया है भाई राइट right. चलिए तो मैंने आपको सिंपल सा पॉइंट बोला देखो होता क्या है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर फाइंडिंग द सेफ लोड भाई ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा रहे हो आपको डिजाइन को तो इकोनॉमिकल बनाना है है ना तो अब जो चीज सर्टेन है उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लगाना राइट right. तो जो सेल्ब्रेट ऑफ द सॉइल है ठीक है जो सेल्ब्रेट ऑफ दॉइल है बेटा तो सेल्बेट ऑफ द सॉइल क्या है सेल्ब्रेट ऑफ द दॉइल क्या है एक सर्टेन क्वांटिटी है तेल अद्यप आप देख रहे हो तो हम उसके लिए सेफ्टी नहीं लगाएंगे इसीलिए हम इतना झोल किए, राइट तो हम क्या करेंगे जो क्यू नेट से उसपे क्यू सेफ निकालेंगे राइट चलिए आई होप दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू एवरी वन आई होप दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू एवरी वन ठीक है क्लियर है बेटा क्लियर है यस सो ऑल द टर्म्स शुड बी क्लियर टू ऑल दैट इज ग्रॉस प्रेशर नेट प्रेशर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी और सेफ बियरिंग कैपेसिटी तो मेरे दोस्त अगर मेरे दोस्त अगर आपको बोलता है क्यू सेफ निकालने के लिए तो क्यू सेफ आप क्या लिखोगे क्यू नेट सेफ प्लस गामा डी एफ क्यू नेट सेफ आप क्या लिखोगे क्यू नेट अल्टीमेट अप अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डी एफ क्यू नेट अल्टीमेट क्या लिखोगे क्यू अल्टीमेट माइनस गामा डीएफ होल डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस गामा डीएफ अब इसका मतलब ये मत बोलना सर गामा डीएफ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया चलिए क्लियर है क्लियर है सबको यस दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ओके ओके गुड गुड आगे बढ़ते मेरे दोस्त आई तक नोट हो गया सबका यहां तक नोट हो गया होगा सबका चलिए ना अब जब हमने चैप्टर शुरू किया था कुछ बच्चे बोल रहे थे सर एक बात बताइए अभी जो आप ये बियरिंग कैपिटी सब बता रहे हैं आप अगर ग्राउंड सरफेस हॉरिजॉन्टल ना हो कि इंक्लाइंड हो जाए है ना तो क्या होगा हम कहा बोल रहे कुछ नहीं होगा दम होगा तो फैक्टर्स में पढ़ते में देखेंगे है ना चल राइट ठीक है देखो बिहार देखो सो so, मेरे दोस्तों क्या लगता है कौन कौन से फैक्टर है कोई बता सकता है कुछ फैक्टर्स जैसे एक फैक्टर हो गया कि हॉरिजॉन्टल ना हो के ग्राउंड सरफेस हॉरिजॉन्टल ना हो के इंक्लाइंड है एनी अदर फैक्टर्स एनी अदर फैक्टर्स डाटा डाटा लोड कैरिंग कैपेसिटी कुछ बता सकते हैं कुछ फैक्टर्स बताओ आप लोग कुछ फैक्टर्स बताओ यस yes? पानी के टेबल से प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल क्या बियरिंग कैपेसिटी को फर्क पड़ेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल क्या कैपेसिटी होगा अगर पानी का टेबल रहेगा तो बियरिंग कैपेसिटी कम होगा अगर पानी का टेबल नहीं रहेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगा यस और नो ये कैसे होगा हम आगे डिस्कस करेंगे राइट right? तो सबसे पहला पॉइंट बोल रहे हैं सबसे पहला पॉइंट हम बोल रहे हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल सबसे पहला पॉइंट हम बोल रहे बेटा प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल राइट इज द फर्स्ट पॉइंट प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल यस, यस प्रॉपर्टीज अगर आपका जो सॉइल का जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है वो डिसाइड करेगा कि भाई आपका जो फाउंडेशन है वो कितना लोड विद स्टैंड कर सकता है या कितना उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है राइट right? सो so, हम अगला पॉइंट क्या बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सोयल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जैसे गामा वेट डेंसिटी कोहेशन एंगल ऑफ़ इंटरनल फ्रिक्शन ये सारे आ जाएंगे क्लियर है चलिए ये बात हो गया इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी हम सारे बात करते हैं हाँ ठीक है लोडिंग कंडीशन आसिमा सही है बेटा ठीक है अगला पॉइंट हम बात करते हैं आप जो फुटिंग दोगे उस फुटिंग का डायमेंशन भी तो डिसाइड करेगा ना उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना है मी यस और नो आप जो फुटिंग प्रोवाइड करोगे वो फुटिंग कितने डेप पे है कितना उसका विड्थ है वो भी तो डिसाइड करेगा ना कि आप जो फाउंडेशन बना रहे हो उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा टेल मी यस और नो यस तो शेप एंड साइज ऑफ द फुटिंग शेप एंड शेप एंड साइज ऑफ द फुटिंग शेप एंड साइज ऑफ फुटिंग राइट जहां पे हम बात कर से किस, किसके लिए विथ डेप्थ शेप में अगर हम बात करेंगे स्ट्रिप फुटिंग है स्क्वायर फुटिंग है सर्कुलर फुटिंग है रेक्टैंगुलर फुटिंग है राइट स्ट्रिप स्क्वायर सर्कुलर एटसेट्रा एटसेट्रा राइट सो ऑल दिस कम्स अंडर शेप एंड साइज ऑफ द फुटिंग ऑल दिस कम्स अंडर शेप एंड साइज ऑफ द फुटिंग सर अब न्यूमेरिकल बना सकते हैं इसके एकदम जाओ अभी एकदम अभी एकदम क्लास नोट्स बंद कर देना जाके नुमड़िकल एकदम कूद पढ़ना ठीक है ऐसे घड़े समुन्दर में कूदोगे कि निकल ही नहीं पाओगे चलो टाइप ऑफ फेलियर गुड वेरी गुड टाइप ऑफ फेलियर बहुत बढ़िया टाइप ऑफ फेलियर ठीक है सो प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल गामा सी एंड फाइव शेप एंड साइज ऑफ द फुटिंग ठीक है ये अपना बेसिक पार्ट हो गया अब मेरे दोस्त जो आपका लोडिंग है द लोडिंग कैन बी कंसेंट्रिक द लोडिंग कैन बी एक्सेंट्रिक वो भी डिसाइड करेगा कैसे डिसाइड करेगा जब हम मेयर ऑफ थ्योरी पढ़ा रहे होंगे तो बताएंगे राइट सो द लोडिंग कंडीशन लोडिंग कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक मतलब जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग लोडिंग लगाए ठीक है जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग लोडिंग लगाए और अगर हम बात करें एथसेंट्रिक एट्रिक मतलब जो एक्सिस है उसके कुछ दूरी पे एट अ सर्टेन एथसेंट्रिसिटी सो टाइप ऑफ लोडिंग या ठीक है टाइप ऑफ लोडिंग दैट इज कंसेंट्रिक और एथसेंट्रिक ठीक है एक ये हो गया उसके बाद जो ग्राउंड सरफेस है ग्राउंड सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है वो भी डिसाइड करता है ठीक है तो अगला है आपका ग्राउंड कंडीशन दैट इज सरफेस 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 आपका हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है इंक्लाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्या हो सकता है अगला आपका लोडेड कंडीशन जो आपका जो सॉइल है वो किस स्टेज में है वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड है या ओवर कंसोलिडेटेड है इस पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि अगर ओवर कंसोलिडेटेड बात स्ट्रेंथ हमको ज्यादा दिख रहा होगा राइट सो नेचर ऑफ लोडिंग कंडीशन नेचर ऑफ लोडिंग कंडीशन नेचर ऑफ लोडिंग कंडीशन आपका नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉयल है या Over consolidated, ठीक है नेक्स्ट अगला अगर हम बात करेंगे तो टाइप ऑफ फेलियर अब इसके बारे में हम बात करेंगे आगे इसी जस्ट इसके बाद हम बात करेंगे दैट इज मोड्स ऑफ फेलियर मोड्स ऑफ फेलियर तो कितने मोड है फेलियर के बेटा व्हाट आर द मोड्स ऑफ फेलियर क्या कौन कौन से मोड है फेलियर के कौन बताएगा यस yes? कौन कौन से मोड होंगे फेलियर के से पर भी तो डिपेंड करेगा कितनी अरे बाबा तो ये क्या बताए हैं ये 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 क्या बताए ये सब कवर कर लेगा कितने मोड से फेलियर के देर आर थ्री मोड्स ऑफ फेलियर डियर फ्रेंड जनरल शियर फेलियर जनरल शियर फेलियर लोकल शियर फेलियर लोकल शियर फेलियर एंड एंड

तो जनरल शेयर फेलियर लोकल शेयर फेलियर पंचिंग शेयर फेलियर राइट सर्वे की क्लास कब होगी अरे भाई जियोटेक चल रहा है फाउंडेशन चल रहा है तुम सर्वे पूछ रहे हो मॉर्निंग में सीपीएम पार्ट चल रहा है अब क्या चाहते हो सर्वे की क्लास सात बजे क्षेत्र सर लेते हैं सात बजे क्षेत्र सर की सर्वे की क्लास है पढ़ा करो चलो अब आगे बात करते हैं सो मोड्स ऑफ शेयर फेलियर डियर फ्रेंड आर थ्री मोड्स ऑफ शेयर फेलियर जनरल शेयर फेलियर लोकल शेयर फेलियर पंचिंग शेयर फेलियर तो एक एक करके तीनों फेलियर के बारे में पढ़ते हैं राइट right. एक एक करके तीनों फेलियर के बारे में पढ़ते हैं एंड विल स्टडी दिस राइट देखते हैं सो so, सबसे पहले बात करते हैं जनरल शेयर फेलियर तो जनरल शेयर फेलियर अगर हम बात करेंगे बेटा दिस जनरली अकर इन द शैलो फाउंडेशन और कैसे स्वाइल में होगा मीडियम टू डेंस सॉइल मीडियम टू डेंस ऑयल में आपको जनरल शियर फेलियर ऑब्जर्व किया जाता है ठीक है ठीक है देखो यहां पे जनरल शेयर फेलियर ठीक है यहां पे ध्यान दो सब लोग नाउ हम क्या बोल रहे हैं यहां पे जनरल शियर फेलियर बेटा किसमें मिल रहा है मीडियम टू डेंस सॉइल मीडियम टू डेंस सॉइल ऐसा सॉइल होता है जिसमें सफिशियंट स्ट्रेंथ होता है आप यही मानोगे यस और नो मीडियम टू डेंस सॉइल राइट तो इट हैज अ सफिशियंट स्ट्रेंथ तो यहां पे हम क्लासिफाई कैसे करते हैं कि जो सॉइल होगा उसका फाइव होगा पहली बार एंड दैट विल बी ग्रेटर थर्टी सिक्स डिग्री फाइव ग्रेटर देन थर्टी सिक्स अगर हम बात करते हैं बेटा आगे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखो क्या होगा अगर हम जनरल शेयर फेलियर के बारे में बात करें जस्ट ऑब्जर्व कॉलम एंड फुटिंग ग्राउंड सर्फेस दिस इज द ग्राउंड सर्फेस ठीक है दिस द ग्राउंड सर्फेस तो देखो जब आप लोड लगाओगे अगर जेनरल शेयर पे है अगर मीडियम टू डेंसल है तो द स्ट्रेस जोन जो इस लोड के कारण जो सॉइल इफेक्ट होगा दैट स्ट्रेस जोन इज एक्सटेंडेड अपटिल द ग्राउंड सर्फेस ये दिख रहा है यह आपका क्या है दिस इज द स्ट्रेस जोन तो हम क्या बोल रहे हैं द स्ट्रेस जोन इज एक्सटेंडेड अप टिल द ग्राउंड लेवल राइट स्ट्रेस जोन कहां तक एक्सटेंडेड अप टिल द ग्राउंड लेवल तो पहला पॉइंट यहां पे लिखते हैं स्ट्रेस जोन इज एक्सटेंडेड अप टिल द ग्राउंड लेवल अप टिल द ग्राउंड लेवल स्ट्रेस जोन इज एक्सटेंडेड अपटिल द ग्राउंड लेवल अब मेरे दोस्त हम अगर अगला पॉइंट बात करें अब मेरे दोस्त अगर हम अगला पॉइंट बात करें वो क्या होगा देखना यहाँ पे ध्यान से क्या होगा यहाँ पे से? जब फेलियर होगा तो फेलियर होने के कारण देर विल बी टिंग आपका जो फुटिंग होगा उसमें क्या होगा यू विल सी दिल्टिंग ऑफ द फुटिंग ठीक है और जो एडजेंट सॉल है वो ही हो जाएगा जो एडजेसेंट सॉइल है वो अप हो जाएगा मतलब फुल जाएगा गॉट द पॉइंट ठीक है सर नेचर ऑफ लोडिंग और एक बार अरे बाबा नेचर ऑफ लोडिंग आगे पढ़ाएंगे का ही टेंशन ले रहे हो यहां पे भी ध्यान दो ना चलिए मैंने पे सिंपल सा बोला कि वो आपका सॉइल आपका ऐसा है कि वो नॉर्मली कंसोलिडेटेड है या ओवर कंसोलिडेटेड है अब यहां पे फोकस करेंगे सो ड्यूरिंग फेलियर ड्यूरिंग फेलियर ड्यूरिंग फेलियर क्या बोल रहे हैं बेटा आप देयर विल बी देअर विल बी टिल्टिंग ऑफ फूंटिंग देयर विल बी टिंग ऑफ फूटिंग एंड बल्जिंग ऑफ बल्जिंग ऑफ बल्जिंग ऑफ एडजेंट सॉइल बल्जिंग ऑफ एडजेंट सॉइल ये सब प्रॉपर्टी ई एस में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है सब प्रॉपर्टी ये के डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है बेटा ठीक है चलिए अब देखो यहां पे, सो ड्यूरिंग फेलियर देयर विल बी टिल्टिंग ऑफ फुटिंग एंड बल्जिंग ऑफ द एडजेसेंट सॉइल दिख रहा है यहां तक दिख रहा है यहां तक सबको यस yes और नो no? यहां तक कोई डाउट है यहां तक कोई डाउट है सो so, हम यहां पे क्या बोल रहे हैं वी टॉक अबाउट द जनरल शेयर फेलियर आपको मीडियम टू डेंस सैंड फाइस ग्रेटर देन 36 डिग्री स्ट्रेस जोन इज एक्सटेंडेड अप टिल द ग्राउंड लेवल ड्यूरिंग द फेलियर देयर विल बी टिल्टिंग ऑफ द फुटिंग एंड द बल्जिंग ऑफ द एडजेसेंट सोइल ठीक है चलिए आगे बात करते हैं बेटा आगे बात करते हैं देखेंगे देखेंगे जब यहां पे फेलियर होगा तो देयर विल बी अ सेट मतलब फेलियर से पहले सेटलमेंट कम होगा ठीक है और एक क्लियर कट पॉइंट मिलेगा फेलियर का तो हम इसको बोलते हैं इट इज बिहेविंग लाइक अ ब्रिटल मैटेरियल ब्रिटल फेलियर हम इसको बोलते हैं ब्रिटल फेलियर क्यों बोल रहे हैं हम यहां पे अगर हम यहां पे लोड सेटलमेंट कर बनाए ठीक है फिर द सेटलमेंट कर विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रेस अप्लाइड ठीक है आप बात कर रहे हो ग्रॉस प्रेशर का ठीक है और आप यहां पे लिख रहे हो सेटलमेंट सेटलमेंट तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं आपको कि व्हेन यू ड्रॉ द कर देर विल बी क्लियर कट फेलियर देर विल बी क्लियर कट फेलियर और फेल होने से पहले फेल होने से पहले आपको सेटलमेंट कम होगा बिफोर फेलियर द सेटलमेंट विल बी लेस दिस इज योर क्यू अल्टीमेट ये आपका बना क्यू अल्टीमेट क्लियर है बात क्लियर है बात सो माय डियर फ्रेंड यहां पे हम क्या लिख रहे हैं बिफोर फेलियर बिफोर फेलियर सेटलमेंट इज लेस देयर इज अ क्लियर कट फेलियर देर इज अ क्लियर कट फेलियर विच कैन बी रेफर्ड एज विच कैन बी रेफर्ड एज ब्रिटल बिहेवियर ब्रिटल बिहेवियर मैं फिर से एक एक पॉइंट बता दे रहा हूं सुंदर ध्यान से ठीक है राइट right. समझो यहां पे मैंने क्या बोला ये ये किन में मिलेगा ये ऐसा जो स्ट्रेस है ठीक है, है? या इस तरीके का किन से में मिलेगा? हमने एक पॉइंट बोला ऐसे पांच छह पॉइंट होते हैं जो हमने मेन पॉइंट वो निकाल लिया कि जो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है वो 36 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए थर्ड पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं आपको कि जो स्ट्रेस जोन है स्ट्रेस जोन का मतलब कि आप जो लोड लगा रहे हो तो इतने पोर्शन का सॉइल क्या होगा इन्फ्लुएंस में आएगा दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस जोन राइट तो सॉइल क्या, क्या हो रहा है इन्फ्लुएंस हो रहा है राइट right? सो so, ये इन्फ्लुएंस कहां तक है टिल द ग्राउंड लेवल सो दिस इज द इन्फ्लुएंस जोन मतलब ये पूरा मिट्टी क्या होगा ये पूरा मिट्टी इन्फ्लुएंस हो जाएगा ठीक है क्लियर है बात

जो आपका या फेलियर होगा आपको प्रॉपर एक पॉइंट मिलेगा जो बताएगा कि इस पॉइंट सबके लिए क्लियर होगा क्लियर है ना बेटा एनी डाउट इन दिस अब तो यार क्लियर हो गया ना? एक ही बात दस बार बोल चुके उसके बाद भी नहीं क्लियर है तो मतलब ये है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं आगे चलिए तो ये बात हो गया बेटा जनरल शेयर फेलियर का दिस इज अबाउट द जनरल शेयर फेलियर नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द लोकल शेयर फेलियर नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द लोकल शेयर फेलियर लोकल शेयर फेलियर इट अकर्स इन लूज सोइल इट अकर्स इन लूज सोइल अगर आप शैलो फाउंडेशन दे रहे हो यू आर गिविंग द शैलो फाउंडेशन ठीक है और वहां पे लोकल शेयर फेलियर हो रहा है ठीक है किसमें मिल रहा है लूज सोइल में तो पहले ये पॉइंट लिख देते हैं किसमें मिल रहा है लूसल में लूस लूसल यहां पे हम क्या बोल रहे हैं जो जो है उसका जो होगा शुड बी लेस ट्वेंटी एट डिग्री अगर फाइव सॉइल का फाइव लेस देन ट्वेंटी एट डिग्री है तो वहां पे हम क्या बोलेंगे कि उस पटलर सॉइल में आपका लोकल शेयर फेलियर हो सकता है राइट right. अब अगला बात करेंगे अगला बात करेंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज वहां पे क्या था जनरल फेलियर में जो स्ट्रेस जोन था एक्सटेंडेड अप टिल द ग्राउंड लेवल लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा बेटा यहां पे स्ट्रेस जोन इज नॉट एक्सटेंडेड अप टिल द ग्राउंड लेवल ठीक है स्ट्रेस जोन इज नॉट एक्सटेंडेड अप टिल द ग्राउंड लेवल कहां तक होगा फिर सर सर कहां तक होगा इट इज नॉट एक्सटेंडेड अप टिल द ग्राउंड लेवल द ग्राउंड लेवल ठीक है तो अगर स्ट्रेस जोन ग्राउंड लेवल तक नहीं है तो क्या लगता है बल्जिंग होगा थोड़ा होगा या होगा ही नहीं बोलो मेरे दोस्त बल्जिंग होगा थोड़ा होगा या होगा ही नहीं बताएंगे मेरे दोस्त देर विल बी स्लाइट बल्जिंग एंड ऑल्सो देर विल बी स्लाइट टिल्टिंग स्लाइट टिल्टिंग नॉट वेरी हाई देर विल बी स्लाइट बल्जिंग विल बी स्लाइट टिल्टिंग वेन वी टॉक अबाउट लोकल शर्ट ऐसा नहीं है कि दम नहीं होगा ऐसा नहीं है दम नहीं होगा हल्का होगा होगा जरूर क्लियर है बात हल्का होगा होगा जरूर ये पॉइंट ध्यान रखना तो ये सारे सवाल अगर आपने ऐसी 2021 का पेपर आपने देखा होगा तो ये जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट पूछा हुआ है अगर किसी ने पेपर दिया है वो ये बात जानता है अब जो नहीं जानता उसके लिए तो ये सब आ, वही है ना कि भाई सर पढ़ा रहे हो सर थ्योरी पढ़ा रहे हो क्यों पढ़ा रहे हो मत पढ़ाओ चलो वी कांट नेग्लेक्ट ठीक है ओके okay. तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं स्ट्रेस जोन स्ट्रेस जोन is not extended is not extended up to the ground level up to the ground level at failure failure there is there is slight bulging स्लाइट बल्जिंग एंड टिल्टिंग, स्लाइट बल्जिंग एंड टिल्टिंग, ठीक है हल्का बल्जिंग होगा और टिल्टिंग भी होगा ठीक है अब आगे बात करते मेरा अब देखो हमने यहां पे अगर हम इसका कंपेयर बात करें तो स्ट्रेस जोन बात कर लिया बल्जिंग टिल्टिंग बात कर ली पाई की बात कर ली सोल की बात कर ली तो अगला क्या बात करेंगे फेलियर क्राइटेरिया अगला क्या बात करेंगे फेलियर क्राइटेरिया और नो तो अब यहां पे मेरे दोस्त क्योंकि ये लूज सॉइल है इज नॉट अ क्लियर कट फेलियर आपको सेटलमेंट दिखता जाएगा देर सेटलमेंट विल बी प्रोग्रेसिव विद द इंक्रीज इन द प्रेशर जब आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे सेटलमेंट आपका बढ़ता हुआ दिखता जाएगा ठीक है सो देर इज नो क्लियर कट फेलियर सो इफ आई एम बोले कि ये क्यू है दिस इज द सेटलमेंट राइट तो यहां पे मेरे दोस्त व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द प्रोग्रेसिव सेटलमेंट विद द इंक्रीज इन द लोड ठीक है प्रोग्रेसिव सेटलमेंट विद द इंक्रीज इन द लोड बात समझ में आया कि नहीं आया यहां पे आपको प्रोग्रेसिव सेटलमेंट दिखेगा आप लोड बढ़ाते जाओगे सेटलमेंट होते जाएगा सो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव सेटलमेंट देयर इज नो क्लियर कट फेलियर देयर इज नो क्लियर कट फेलियर तो बेसिकली हम करते क्या वी ड्रॉ द ट वी गेट द वैल्यू एंड ऑल राइट right. या yeah. हम क्या कर सकते हैं लॉग लॉग कर बनाते हैं विद्रॉ द लॉग क्यू जी लॉक सेटलमेंट कर क्योंकि क्लियर कट फेलियर नहीं मिलता है हमको क्योंकि क्लियर कट फेलियर हमको नहीं मिलता है सो व्हाट वी यूज टू डू व्हाट वी यूज टू डू व्हाट वी यूज टू डू वि लॉक कर क्या कर देगा बेटा लॉक कर क्या कर देगा बताओ सब लोग लॉक कर क्या कर देगा इसको क्या बना देगा स्ट्रेट तो अब जब आप लॉक कर बनाओगे तो एक किंक मिलेगा आपको गेट अंक ठीक है तो जिस पॉइंट पे आपको किंक मिल रहा है ठीक है वही आपका क्या बन गया Log of Q ultimate. तो यहां पर लोकल शेयर फेलियर ठीक है बेन वी टॉक अबाउट द लोकल शेयर फेलियर तो लोकल शेयर फेलियर पे मेरे दोस्त आपको क्योंकि प्रोग्रेसिव सेटलमेंट मिल रहा है तो ये, यहां पे आपको सडन इंडिकेशन नहीं मिलेगा तो फॉर फाइंडिंग द फेलियर पॉइंट या तो हम क्या करते वी मेक टू एंड ड्रॉ लेकिन उसमें भी एरर पाया जाता है सो व्हाट वी यूज टू डू वी ड्रॉ द लॉर लॉकर और जहां पे किंक मिल रहा है वो आपका बन गया लोड कैरिंग कैपेसिटी पॉइंट इज दिस क्लियर टू ऑल चलिए सो माई डियर फ्रेंड यहां पर हम लिख लेते हैं इन लोकल शेयर फेलियर लोकल शेयर फेलियर प्रोग्रेसिव सेटलमेंट इज ऑब्जर्व सेटलमेंट इज ऑब्जर्व ठीक है इतना पॉइंट लिख रहे हैं बाकी आप आगे यूज कर लो चलो ठीक है यहां तक तो जनरल शेयर फेलियर लोकल शेयर फेलियर दोनों पॉइंट क्लियर है आपको जनरल शेयर फेलियर लोकल शेयर फेलियर दोनों पॉइंट क्लियर होगा मेरा ठीक है अब लोगों के सवालों की तो कमी हो ही नहीं सकती आपके सवाल कभी रुकी नहीं सकते है ना तो जो सवाल अब जो मुझे लगेगा बेकाम का है मैं उसका रिप्लाई ही नहीं करने वाला वही बेस्ट होगा और उसी से क्लास चल पाएगी है ना देखेंगे आगे अगला बात करते हैं बेटा पंचिंग शेयर फेलियर तो पहली बात समझो ये कैसे सॉयल में होगा बेटा इट विल अकर इन हाईली प्लास्टिक सॉइल हाईली प्लास्टिक सॉइल जनरली जनरली क्लेस, जनरली क्लेस, जो हाईली प्लास्टिक सॉइल होंगे बेटा वहां पे आपको ये मिल रहा होगा राइट जनरली क्लेस में आपको ये देखा जाओगे आप जब क्लेस की बात करोगे वहां पे मिलोगे और अगर क्लेस की बात आती है तो मेरे दोस्त ज्यादातर हम जो फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं या तो डीप फाउंडेशन देते हैं या मैटर रेपाउंड देते हैं ठीक है तो आप देखो यहां पे मान लो आपने डीप फुटिंग दिया तो होगा क्या यहां पे एडजेसेंट सोइल स्ट्रेस होगा ही नहीं जो फुटिंग के नीचे को जो सॉइल है ठीक है है जो जो के नीचे जो है, सीधे उसी सॉइल को डिस्टर्ब करेगा और अगर फेलियर होगा तो पूरा सॉइल इसके नीचे जो है लेके क्या करते जाएगा नीचे चलता जाएगा ये जो एडजेसेंट एरिया है ये जो एडजेसेंट एरिया है हम ये मांग के चलेंगे कि ये अनडिस्टर्बड है मतलब इसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रहा है देर विल बी लार्ज सेटलमेंट देर सेटलमेंट बट एडजेसेंट एरिया विल बी अनस्ट्रेस्ड तो अगर एडजेसेंट एरिया स्ट्रेस ही नहीं हो रहा है तो क्या यहां पे कोई टेल्टिंग या बल्जिंग होगा क्या यस yes. यहां पे कोई टेल्टिंग या बल्जिंग होगा क्या बताएंगे सब लोग यहां पे कोई टिल्टिंग या बल्जिंग होगा क्या नो बल्जिंग नो टिल्टिंग तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं स्वाल बिलो द स्वाइल बिलो द फुटिंग इज ओनली स्ट्रेस्ट इज ओनली स्ट्रेस्ट एंड एडजेसेंट सॉयल

लार्ज सेटलमेंट इज ऑब्जर्व लार्ज सेटलमेंट इज ऑब्जर्व ठीक है सो विद्रॉ द लोड सेटलमेंट कर अगर आप लोड सेटलमेंट कर बनाओगे ड्रॉ द लोड सेटलमेंट कर ठीक है सो यू विल सी द लार्ज सेटलमेंट बिफोर फेलियर तो यहां पे विद द इंक्रीज इन द लोड यू कैन सी द सेटलमेंट कर वेरी स्टीव आप स्टीव कर देख रहे होंगे ठीक है तो ये क्यू यू वर्सेस आपका ये सेटलमेंट तो यहां पे सेटलमेंट आपका लोकल शेयर फेलियर से भी ज्यादा होगा बिफोर एक्चुअल फेलियर क्लियर है बात ठीक है अगेन यहां पे प्रोग्रेसिव है सडन फेलियर नहीं है यहां पे प्रोग्रेसिव फेलियर है बट दैट सेटलमेंट इज वेरी दैट सेटलमेंट इज वेरी हाई ठीक है तो पंचिंग शेयर फेलियर क्लियर है बेटा क्लियर है, सो so, पे क्या होगा एडजेसेंट सॉइल को कट करता हुआ बस ये सीधे सेटल करते चलेगा, There is no influence on the adjacent मिट्टी कमजोर है, ठीक है भाई नहीं ले पाएगा, बात खत्म, ठीक है, है so, मैंने क्लियर बोला जो वहां पर ऐसा बिहेवियर पाया जाता है जहां पे हाईली प्लास्टिक सॉइल है पे तो फाइव होगा क्या सोच के देखो अगर हम क्लेई सॉइल बोल रहे हैं इट्स अ जनरल इट्स अ क्लेई सॉइल तो फाइव होगा क्या यस आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन यस टेल मी दिसन यहां तक कोई डाउट जनरल शेयर फेलियर लोकल शेयर फेलियर पंचिंग शेयर फेलियर इट शुड बी क्लियर टू ऑल और अगर ये क्लियर है बेटा तो कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी जहां पे कल हमारा टॉपिक है

ठीक है सो डू फॉलो इट बाकी आप लोग जान रहे हो अन का डाउट टीचर है जहां पे अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको पूछ सकते हो एनी नंबर ऑफ टाइम किसी भी समय पे पूछ सकते हो यू विल गेट द हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड माय डियर फ्रेंड यू विल रिसीव द एग्जैक्ट मैचेस फॉर क्वेश्चन विद द ग्रेटर एक्यूरेसी एंड ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट द पर्सनल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क राइट एंड डोट गेट टू यूज द कोड भारेन वेदर यू गो फॉर द स्पेशल क्लास इनवाइट कोड

So, we will in the evening at 11.15 pm. Bye-bye. Take care. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete. Crack. Conquer. A challenging get contest... ...engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive, gamified... Contest for date till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.